जय माँ काली। स्वागत है आपका दैनिक राशिफल में। 8 अक्टूबर 2024 का दिन मेष राशि, वृषभ राशि और मिथुन राशि वालों के लिए कैसा बीतेगा, संपूर्ण चर्चा करेंगे। चंद्रमा जिस नक्षत्र में गोचर करेगा उस आधार पे, तो नक्षत्रों के हिसाब से उपाय और नक्षत्रों के हिसाब से ही राशिफल की चर्चा की जाएगी। आज 8 अक्टूबर मंगलवार है, पंचमी तिथि रहेगी 11:58 तक, उसके बाद षष्ठी तिथि आ जाएगी। आज देखा जाए तो चंद्रमा पूरे दिन वृश्चिक में रहेगा और ये ले रहे हैं नक्षत्र ज्येष्ठा, जो कि बुध का है। बुध के नक्षत्र में बुध के बीज मंत्रों का जाप करना या भगवान गणेश के मंत्रों का जाप करने से नक्षत्र के शुभ परिणाम आपको प्राप्त होंगे। रवि योग है, कोई महत्वपूर्ण कार्य करना है कर सकते हैं। शिव जी का वास कैलाश पर्वत पर रहेगा करीब 11:17 तक, उसके बाद ये नंदी के ऊपर विराजमान रहेंगे। तो आप अगर शिव मंदिर जाते हैं तो नंदी भगवान के कान में अपनी मनोकामना अवश्य कहें और नंदी के पूजा करें, दीपक से और बेलपत्र चढ़ाएं, आपकी मनोकामना पूरी होगी। मेष राशि वालों की बात करें तो मेष राशि वालों के लिए चंद्रमा की स्थिति इनके 8वें घर में चल रही है। 8वां घर होता है हमारे ससुराल का, अचानक आने वाली परेशानियों का, और साथ ही ये अचानक धन प्राप्ति का भी घर है। रिसर्च के स्टूडेंट्स के लिए 8th का चंद्रमा बहुत ही शुभ परिणाम देता है। शनि की दृष्टि में लगा हुआ है ये, इस कारण से किसी भी तरह का आप अपने कैरियर में कुछ भी बदलाव करना चाहते हैं तो बदलाव के लिए श्रेष्ठ टाइम है। जॉब परिवर्तन, जॉब स्विच करने की सोच रहे हैं तो आप कर सकते हैं, सही है आपके लिए टाइम। 4th के लॉर्ड बनते हैं आपकी कुंडली में, जो कि माता का है, भूमि भवन वाहन सुख का है, तो माता के साथ अपना तालमेल बना के चलें। किसी भी प्रकार का मानसिक तनाव है वो आज आपका खत्म हो सकता है। आज आप बुध के बीज मंत्रों का जाप अवश्य ही करें। शनि की दृष्टि है, इस कारण से आय भाव में बैठे हुए शनि, तो आपको अपनी कुशलता का परिचय देना पड़ेगा। वर्क प्लेस में बहुत अधिक मेहनत करें, मेहनत से आपके धन योग का निर्माण होएगा और अचानक धन प्राप्ति हो सकती है। माता की सेहत थोड़ी सी खराब रहे या माता की आपको पूरे दिन याद आती रहे, ऐसी संभावना है। अपने कार्यों की लिस्ट बनाएं और लिस्ट बना करके उसी हिसाब से कार्य करें। आज आपके बहुत सारे अटके हुए कार्य भी बन सकते हैं। व्यापारियों को इन्वेस्टमेंट करते समय ध्यान रखना चाहिए। आज इन्वेस्टमेंट न करें, ज़्यादा बड़ी मात्रा में कर रहे हैं तो सोच समझ के करें, क्योंकि आज का जो टाइम है वो अचानक धन प्राप्ति का है, धन खर्च करने का नहीं है। तो अचानक धन प्राप्ति आपको हो सकती है, बदलाव आपके जीवन में आने वाला ही है, ये समझ लीजिए आप। आज का दिन आप जैसे से निकाल दीजिए, कल से आपके दिन अच्छे आएंगे जब ये चंद्रमा चले जाएंगे आपके 9th भाव के अंदर। लव लाइफ के अंदर आप वर्तमान समय को एंजॉय करें, आपके लिए बेहतर है टाइम, प्रॉपर रेस्ट करें। नींद की कमी के कारण थोड़े से आप एक दूसरे को टाइम नहीं दे पाएंगे। दाम्पत्य जीवन की बात करें तो दाम्पत्य जीवन भी अच्छा है। आप अपने पार्टनर का जितना हो सके ध्यान रखें, पार्टनर की भावनाओं का सम्मान करें, साथ ही साथ नेगेटिव अप्रोच से बचें। ससुराल वालों से संबंध थोड़े से संभाल के चलें, किसी भी तरह की कोई बात आए तो उसको आप मैनेज कर लें। आज ससुराल वाले आपके साथ थोड़ा सा क्रोधी होकर भी बात कर सकते हैं। आँखों में प्रॉब्लम हो सकती है, दांतों में प्रॉब्लम हो सकती है, या आपको किडनी से संबंधित प्रॉब्लम या गुप्त अंगों से संबंधित प्रॉब्लम हो सकती है। उपाय क्या करना है? आज का उपाय यही है कि जितना हो सके शांत रहें और गणेश के बीज मंत्र, गणेश चालीसा का जाप, भगवान बुद्ध के मंत्रों का जाप करें। बने रहे चैनल पर, अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। जय माँ काली। कैसा रहेगा आज का दिन? 8 अक्टूबर 2024 का दिन वृषभ राशि वालों के लिए, संपूर्ण विस्तृत चर्चा करेंगे नक्षत्रों के आधार पे। पंचांग की स्थिति अगर हम देखें तो पंचांग के अंदर आज 8 अक्टूबर है और मंगलवार का दिन है, साथ ही साथ आज पंचमी तिथि है। पंचमी तिथि के दिन भगवान गणेश की और भगवान नंदी की पूजा अवश्य ही करनी चाहिए। आज कोई भी महत्वपूर्ण कार्य करना है तो आप राहु काल का ध्यान रखें। आज का राहु काल 3 बजे से लेकर 4:30 बजे तक है, उस समय कोई भी महत्वपूर्ण कार्य न करें। चंद्रमा चल रहे हैं वृश्चिक राशि में, नक्षत्र ले रहे हैं ज्येष्ठा, जो कि बुध का है, तो बुध के बीज मंत्रों का जाप करना, ओम ब्रह्म ब्रीम ब्रह्म सह बुधाय नमः, या भगवान गणेश के मंत्रों का जाप करना आपको नक्षत्रों का शुभ परिणाम देगा। क्योंकि जिस नक्षत्र में चंद्रमा चले उस नक्षत्र को प्रणाम नहीं किया तो कुछ भी आपका कार्य नहीं बनता है। आज पूरे दिन रवि योग है, कोई भी महत्वपूर्ण कार्य करना है तो रवि योग में कर सकते हैं। दिशा सोल आज की पूर्व है, शिव जी का वास नंदी पर रहेगा 11:17 के बाद, तो भगवान शिव की आराधना करने जा रहे हैं और 11:17 के बाद कर रहे हैं, तो नंदी भगवान के ऊपर जल चढ़ाएं, अपनी मनोकामना नंदी के कान में बोलें, आपकी मनोकामना अवश्य ही पूरी होगी। अब बात करते हैं वृषभ राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा व्यतीत होगा। वृषभ राशि वालों के लिए चंद्रमा की स्थिति 7th घर में चल रही है। 7th घर हमारे बिजनेस पार्टनर का, लाइफ पार्टनर का घर
होता है। यहाँ पे चंद्रमा चलने के कारण आज आपके देखा जाए तो बिजनेस के अंदर बहुत अच्छी ग्रोथ हो सकती है, अचानक धन की प्राप्ति हो सकती है। ये आपकी इच्छाओं की पूर्ति करने के लिए चंद्रदेव आ रहे हैं। शनि की दृष्टि में दस रहे हैं, गुरु की भी दृष्टि है। शनि के कारण थोड़े से कार्यों में डिले अवश्य ही होगा और गुरु आपको हर कार्यों में राहत देगा, आपके अटके हुए कार्य बनाएगा। कोई अधूरा कार्य आज बन सकता है, कोई पेंडिंग कार्य है जिसको आप काफ़ी समय से करने की सोच रहे थे, नहीं बन रहा था, उसको आज आप करिए, आपका बन जाएगा। आज आपको अपने पर्सनल लाइफ, सोशल लाइफ की इमेज को लेकर सावधान रहना है। आपको कोई भी अपनी बॉडी लैंग्वेज, अपने व्यवहार से, अपने बातचीत से किसी भी दूसरे लोगों को प्रभावित नेगेटिव रूप में नहीं करना, क्योंकि आज आप सब कुछ सही करेंगे, अपने हिसाब से काफ़ी एफर्ट लगाएंगे जीवन में आगे बढ़ने के लिए, अपनी पोजीशन को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, परंतु लोग आपके पीठ पीछे कुछ ना कुछ आपकी चुगली करेंगे, आपकी छवि खराब करने का प्रयास करेंगे, क्योंकि छठे घर से इसका आज रिलेशन बन रहा है चंद्रमा का। इस कारण से आज आपको सेल्फ एफर्ट से लाभ तो होएगा, परंतु ये नीच के चंद्रमा है, नीच के चंद्रमा होने के कारण मन में बेचैनी होगी, लोग बाग आपके शब्दों को गलत अर्थ में ले सकते हैं। आपको अपना कॉन्फिडेंस बनाए रखना, किसी भी प्रकार से कम नहीं करना, भ्रमित नहीं होना। जहां आपको लगे ना यहाँ भ्रम हो रहा, करे या नहीं करे, तो उसको हमको आप कर सकते हैं, क्योंकि बुद्धि थोड़ी सी भ्रमित रहेगी, सही दिशा की तरफ आप जाने से कतराएंगे। तो अपने मन को सरल बनाएं, कॉन्फिडेंस रखें, अपनी इच्छाओं पर कंट्रोल रखें। आज आपकी बहुत सारी इच्छाएं पूरी भी हो जाएगी, अधूरा काम भी बन जाएगा, इसलिए दिन काफ़ी मामलों में पॉजिटिव है। बिजनेस की दृष्टि से देखें तो बिजनेस में इन्वेस्टमेंट करते समय जल्दबाजी से बचें। लव लाइफ की बात करें तो लव लाइफ को सामान्य सहज रूप से जिए, किसी भी प्रकार का कोई विवाद है, प्रॉब्लम है, उसको आज न उठाएं। पुरानी बातों को उठाने से आज विवाद ज़्यादा बढ़ सकता है। स्टूडेंट्स के लिए अच्छा टाइम है, आज उनको अपना कॉन्फिडेंस बरकरार रखते हुए आगे बढ़ना चाहिए, सक्सेस उनको प्राप्त हो सकती है। किसी भी प्रकार की आपको प्रॉब्लम चल रही है तो आज आप बुध के बीज मंत्रों का जाप करें ताकि नक्षत्र देवता के शुभ परिणाम आपको प्राप्त होए। पेट से संबंधित प्रॉब्लम है, हो सकती है, इसलिए खान पान पर नियंत्रण बना के रखें। इससे आपको क्या होगा कि खान पान पर नियंत्रण बना के रखेंगे तो मन भी प्रसन्न रहेगा और जो सिर के अंदर जो एक दिन पहले से जो आपके तनाव या थकान या नींद की कमी या सफ़र की परेशानी थी वो भी दूर होगी। तो बने रहिए चैनल पे। अच्छा लग रहा है आपको चैनल तो कमेंट में जय श्री राम अवश्य ही लिखिए। धन्यवाद। माँ काली, माँ दुर्गा की आराधना करते हुए चलते हैं आज के राशिफल पे। आज 8 अक्टूबर 2024 है। कैसा रहेगा ये दिन मिथुन राशि वालों के लिए, संपूर्ण चर्चा करेंगे नक्षत्रों के आधार पे। जिस नक्षत्र में चंद्रमा गोचर करे उस नक्षत्र देवता को प्रणाम करने से नक्षत्र की पॉजिटिव एनर्जी मिलती है और काम बनते हैं। आज 8 अक्टूबर मंगलवार का दिन है, पंचमी तिथि रहेगी 11:58 तक, उसके बाद षष्ठी तिथि आ जाएगी। चंद्रमा पूरे दिन वृश्चिक राशि में रहेगा और ज्येष्ठा नक्षत्र ले रहा जो कि बुध का है। बुध के बीज मंत्र ओम ब्रह्म ब्रीम ब्रह्म से बुधाय नमः मंत्र का जाप करना या गणेश मंत्र का जाप करने से नक्षत्र के शुभ परिणाम प्राप्त होंगे। रवि योग है, कोई महत्वपूर्ण कार्य करना है तो कर सकते हैं। आज शिव जी का वास 11:17 के बाद नंदी के ऊपर होगा, तो आज आप अपनी मनोकामना नंदी के कान में कहें, 11:17 के बाद आपकी मनोकामना सुनी जाएगी। किसी भी प्रकार की यात्रा कर रहे हैं तो यात्रा के अंदर दिशा शूल का ध्यान रखें। अब हम बात करते हैं राशिफल की। मिथुन राशि वालों के लिए आज का जो दिन है, चंद्रमा इनके चल रहे हैं, चंद्रमा की स्थिति इनके छठे घर के अंदर चल रही है। छठा घर होता है हमारे रोग ऋण और शत्रु का। यहाँ पे चंद्रमा चल रहे हैं, नीच के चंद्रमा है, शनि की दृष्टि में दृष्ट है, इस कारण से कार्यों में डिले आज हो सकता है। थकान मानसिक रह सकती है, शारीरिक थकान भी रह सकती है, क्योंकि दो दिन से आपके काफ़ी भागदौड़ी चल रही थी। नीच के चंद्रमा है और आपके लिए धन भाव के स्वामी है, इस कारण से आपके पास पैसा तो आएगा। मौज शौक में जो पैसा अभी खर्च हो गया था उससे आपको थोड़ा सा मन में थोड़ा ऐसा रहेगा पैसा खर्च होगा, परंतु आप बिल्कुल तनाव ना करें, आपके पास धन आएगा। मन में अनिश्चितता का भाव है उसको आप कम करें, फ्यूचर की टेंशन मत करें। कंपटीशन में अगर आप बैठ रहे हैं, स्टूडेंट है, तो आपको प्रयास तेज कर देने चाहिए, आपको सफलता मिल सकती है। छठे घर में चंद्रमा जाता है तो किसी मामले में अच्छा हो ना हो कंपटीशन के हिसाब से बढ़िया बैठ जाता है। हालांकि गुरु भी आपको संभालेंगे, क्योंकि गुरु की दृष्टि में दस रहे हैं, इस कारण से किसी भी प्रकार का कोई कोर्ट केस चल रहा है, कोर्ट केस से संबंधित कोई सुनवाई है, तो उस सुनवाई में आपका पक्ष आज मजबूत होएगा। आज फैसला आना है तो आपके पक्ष में फैसला आ सकता है, यानी कि आपके विवाद पे जीत है। आस पड़ोस में कहीं पे भी आपका विवाद होगा, मित्रों से विवाद होगा, सबके ऊपर आपका पक्ष आज भारी पड़ना है। नीच का चंद्रमा है इसलिए बिजनेस में थोड़ा सा सोच समझ के चलें, जो बिजनेस चल रहा है उसी को संभालें।
अटके कार्य, पेंडिंग काम है बिजनेस के, उनको पूरे करें, पूरा मैनेजमेंट को देखें। कोई नया इन्वेस्टमेंट आज न करें, कोई नया बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहे हैं तो वो उससे बचें आज, क्योंकि ये नीच के चंद्रमा है। हालांकि रवि योग है, रवि योग का लाभ आपको मिल जाएगा, फिर भी आपको थोड़ा सा सोच समझ के चलना चाहिए। लव लाइफ की बात करें तो लव लाइफ के हिसाब से अच्छा है मन, थोड़ा आपका सब कुछ अच्छा होते हुए भी थोड़ा सा आपके मन के अंदर थोड़ी सी ऊहापोह की स्थिति या फ्यूचर के बारे में ओवर थिंकिंग की प्रॉब्लम रह सकती है। स्टूडेंट्स के लिए बढ़िया है, कॉन्फिडेंस बना के आगे बढ़िए, सफलता मिल जाएगी। जो लोग जॉब के अंदर है, नौकरी के अंदर है, उनके ऊपर वर्क प्रेशर अधिक रहेगा, काम की अधिकता रहेगी, क्योंकि थोड़ी से 2 दिन से आपकी दिनचर्या थोड़ी अस्त व्यस्त थी, इस कारण से काम का प्रेशर रहेगा। और आपको अपने कलीग्स से, अपनी टीम से, अपने बॉस से बात करते समय ध्यान रखना चाहिए, आराम से बोलिए, किसी भी प्रकार से उग्र न हो, इससे आपको फ़ायदा मिलेगा और आपका वर्क प्लेस पर दिन अच्छा बीतेगा। उपाय, गणेश की आराधना करनी है, साथ ही साथ भगवान बुद्ध के बीज मंत्रों का जाप करें। गणेश जी के मंत्र गणेश चालीसा से भी फायदा होगा। पेट के रोग या लीवर से संबंधित प्रॉब्लम हो सकती है, इस कारण से खान पान पर विशेष नियंत्रण बना के चलें। तो ये था मिथुन राशि वालों का राशिफल। बने रहिए चैनल पे, अच्छा लग रहा है तो कमेंट में। जय श्री राम।